जाना है pmyp.gov.pk। फिर नीचे जाके आप लोगों ने, इसमें तो बहुत सारी स्कीम है लेकिन सबसे नीचे वाला प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये विंडो शो होगी, ठीक है। इसमें आप जब अपने एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो यहाँ पर शो रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है। एलिजिबल यूनिवर्सिटी लिस्ट भी देख सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन मतलब आप लोगों का हल नहीं हो रहा मसला है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस वेबसाइट पे ऑनलाइन हेल्प डेस्क पे या मोबाइल मोबाइल नंबर और लैंडलाइन पे आप लोग इसी वालों को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये विंडो शो होगी, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एनएससी विदाउट डैशेस देनी है। अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप लोगों को यहाँ पर वैलिड का ऑप्शन आएगा। अगर अप्लाई किया हुआ है पहले किसी और स्कीम के लिए तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर मैं अपना रोबोट पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करके आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है कि मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। सबमिट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक और विंडो शो हो जाएगी, वहाँ पर आप लोगों ने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड वैलिड इन एसी ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स, इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये चीज़ें फिर दोबारा चेंज नहीं हो सकती, तो आप लोगों ने अपना ईमेल वगैरह सही तरीके से देना है, मोबाइल नंबर भी और वो एनआईसी भी। यहाँ पर आप लोग देख ले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल फुल नेम दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो मैं डेटा आप लोगों का जो एनआईसी में डेट ऑफ बर्थ होगा आप लोगों ने वो सही देना है। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 19/2003 दे दिया। जेंडर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इन आई सी के थ्रू उठाया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस देना है, मैं फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ मलकंड देता हूँ। इसके बाद ये हमारे पास पाकिस्तान के प्रोविंसेस है, तो हमारा के पी के है, मैं खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर डोमिसाइल, ठीक है, तो मैं तो सवाद का हूँ लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं चकदरा देता हूँ, तो ये चकदरा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फिर चकदरा ये हो गया चकदरा। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों ने एम्प्लॉयड, और अगर जॉब नहीं है तो आप लोगों ने नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मसला नहीं है, आप लोगों को फिर भी लैपटॉप मिल सकता है। आर यू एंटर इनरोल एज अ डिसेबल पर्सन, आप लोग डिसेबल है तो यस, अगर डिसेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करें। आप लोगों ने किसी कोई लैपटॉप की सोर्स स्कीम से लिया हुआ है कि नहीं, अगर नहीं तो आप लोगों ने सिंपल नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टिप आ गया। यहाँ पर आप लोगों ने अपना इनरोलमेंट नंबर देना है जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी में साइन हुआ है, मैं डमी देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी कि कौन से जगह पर यूनिवर्सिटी है, तो मैं चकदरा मलकंड देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलकंड आ गया, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलकंड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने कैंपस पे क्लिक करना है कि कौन सा कैंपस, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलकंड में दो कैंपसेस है, एक बटखेला और दूसरा मेन कैंपस। ये मेन कैंपस आ गया, मैं मेन कैंपस को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, तो मैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस IT सेलेक्ट करता हूँ। डिग्री लेवल आप लोगों का 18 ईयर्स, PhD है, मास्टर 18 ईयर, बिचलर्स है या ग्रेजुएशन 14 ईयर्स या इंटरमीडिएट 12 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बिचलर्स 16 ईयर्स, जो BS वाले यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, PhD वाले उस पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम करंटली एनरोल्ड इन, ये देख ले BS हनर्स 4 ईयर्स वाला और MSc 16 ईयर्स, तो आप लोगों ने BS हनर्स को सेलेक्ट करना है 4 ईयर्स। यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टार्ट, आप लोगों ने एडमिशन कब लिया था यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल 2022 में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अभी खुद ब खुद आएगा कि कंप्लीशन डेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर एनुअल सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम, तो मैं सेमेस्टर सिस्टम अगर किसी का है तो वो सेमेस्टर सिस्टम पे क्लिक कर सकता है।
और अगर एनुअल सिस्टम है तो वो एनुअल पे क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सेमेस्टर सिस्टम देता हूँ, ठीक है। कौन से सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2021 में एडमिशन लिया तो फिफ्थ या फोर्थ सेमेस्टर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं फिफ्थ देता हूँ। थर्ड ईयर आप लोगों का खुद ब खुद आ गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे आके आप लोगों ने यहाँ पर HSC का वो परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल 70% है, तो आप लोगों ने इस तरह एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम अपनी यूनिवर्सिटी का वो डालना है कि आप लोग की यूनिवर्सिटी में परसेंटेज सिस्टम है या CGPA, तो यहाँ पर CGPA, मैं CGPA सिस्टम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की CGPA कितनी है, फॉर एग्जांपल 3.5, तो खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया, 87% बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दोबारा करता हूँ, यहाँ पर मसला शो कर रहा है 2021, कंप्लीशन डेट शो नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद कंप्लीशन डेट यहाँ पर अपीयर हो गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट टिप पे जाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर देता हूँ, ठीक है, ये नंबर मैंने दे दिया, तो यहाँ पर इस नंबर की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ईमेल देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सेंड कोड पे क्लिक करना है। सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को SMS में एक कोड सी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों ने वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों ने वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर फिर ईमेल आप लोगों का वेरीफाई हो गया, वैलिड है, तो यहाँ पर वेरीफाई ईमेल के बटन पे क्लिक करना है, आप लोगों को एक कोड आएगा, वो यहाँ पर आप लोगों ने देना है, वेरीफाइड कोड पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप लोगों ने नीचे जाके क्या करना है, सबमिट, तो आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों ने देखना है कि मेरे एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आओगे, एप्लीकेशन स्टेटस मैंने स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस से इस विंडो पे आके आप लोगों ने पेज 2022-23 सेलेक्ट करना है, सिटी क्या है, फॉर एग्जांपल चकदर मलकण यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलकण आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेन यूनिवर्सिटी का कैंपस सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट और यहाँ पर डिग्री लेवल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 ईयर्स है, ठीक है, और फिर ईयर ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर ये सेमेस्टर वगैरह है, ठीक है। 5 ईयर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट की डिग्री 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलकंड आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने चकदरा मलकंड सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर कैंपस, मेन कैंपस, और आप लोगों ने फिल्टर रिजल्ट करना है। फिर फिल्टर रिजल्ट करने के बाद आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट शो हो जाएगी, तो आप लोगों ने उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है। अगर आप लोगों को अप्लाइड का स्टेटस शो रहा है, तो मीन्स कि इस बंदे ने अप्लाई किया है, वेरीफाइड का कि ये वेरीफाइड है, डिस अप्रूव्ड एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो गया, सेलेक्टेड मतलब ये बंदा लैपटॉप के लिए एलिजिबल है, नॉट सेलेक्टेड ये सेलेक्ट नहीं हुआ, इस नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू लिमिटेड लैपटॉप कोटा वगैरह, और एसेट इशूड, ऑलरेडी इस बंदे ने लैपटॉप लिए,